हाय एवरी वन हावर यू ऑल सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ट्वेल्थ से जब कॉमर्स स्ट्रीम से जब ट्वेल्थ कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या किया जा सकता है कौन कौन से कोर्सेज़ एक्चुअली करने चाहिए कौन कौन सी फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आखिर सो मैंने इसमें पूरी रिसर्च करी एकदम कामर्स को एकदम निचोड़ के निकाला देखा कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या क्या किया जा सकता है एक अच्छे करियर के लिए सो so, उसके बाद मैंने एक प्रॉपर पी, -पी बनाई है एक एक पी बना के रेडी किया हुआ है सो so, उसको मैं आपसे आज शेयर करूंगा एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद uh, मैं साइंस स्ट्रीम के ऊपर भी मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए भी ऐसा वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारे पॉसिबल ऑप्शंस सो स्टे टून फॉर दैट एंड फॉर टुडे लेट्स डिस्कस ट्वेल्थ कॉमर्स करियर ऑप्शंस ऑल सो क्लास ट्वेल्व कॉमर्स के बाद करियर ऑप्शन जो हैं वो हम डिवाइड कर सकते हैं छः कैटेगरीज़ में बिजनेस लॉ आई मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड आर्ट्स मास कम्युनिकेशन ट्रैवल एंड टूरिज्म में सो so अब हम एक्सप्लोर करेंगे हर तरह की इस कैटेगरी को हर कैटेगरी को कि इसमें कौन सी कैटेगरी में कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जैसे कि बिज़नेस में बिज़नेस में हम मान लेते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मार्केटिंग एच बैंकिंग स्टॉक मार्केट्स मैनेजमेंट ऑन्टरप्रीनियोरशिप एट्सट्रा एट्सट्रा तो इसमें कुछ बहुत अच्छे डिग्री ऑप्शन ये रहते हैं बी कॉम बी कॉम ऑनर्स बी बी ए अब मुझे पता है बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मैंने एक वीडियो में तो बोला था कि बी कॉम बी काम ऑनर्स तो यूज़लेस है वेल well, देखो ये डिग्रीज़ मेन स्ट्रीम है बहुत मेन स्ट्रीम है इसका मतलब बहुत लोग इसकी परस्यू कर रहे हैं वैसे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कॉमर्स करते हैं स्ट्रीम सो so वो लोग बी कॉम बी बी ए की तरफ जाते हैं सो so दिस डिग्रीज़ आर मेन स्ट्रीम बट इसका ये मतलब नहीं कि इनकी वैल्यू नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्टीमेटली आप चाहे कुछ भी करो चाहे आप सबसे बेस्ट डिग्री कर रहे हो या सबसे वर्स्ट डिग्री कर रहे हो अल्टीमेटली आपका स्किल बोलता है स्किल मैटर करता है ओवरऑल और बी काम बी ए अल्टीमेटली आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलेगा कॉमर्स uh, के अलग अलग करियर ऑप्शनस में इसी so, इसीलिए मैंने बी कॉम और बी बी ए को मैंशन डेफिनेटली किया है सो बी कॉम यू कैन डू बी कॉम ऑनर्स यू कैन डू यू कैन गो फॉर बी बी ए फिर बी एम एस आता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या फिर बी बी एम बैचलर ऑफ़ बिजनेस मैनेजमेंट बी बी एस बैचलर ऑफ़ बिजनेस स्टडीज़ ये सब भी यू नो बी बी ए की कैटेगरी में आते हैं मैं अच्छे से एक टेबल बना के डिस्कस करूँगा कि इनमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फिर आता है आपका बी बी ई बैचलर ऑफ़ बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक लाइन में जाना है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बी एफ एम बैचलर ऑफ़ फाइनेंशियल मार्केट्स बैचलर ऑफ अकाउंटिंग and फाइनेंस बी एफ सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं अब मैं एक अलग से टेबल में सबके अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करूँगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो अभी हम बाकी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं ओके सो लेट्स लुक एट प्रोफेशनल कोर्सेज नाउ जो आप बिजनेस कैटेगरी में कर सकते हो प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस पसंद है स्पेशली ये मतलब आप ग्रेजुएशन के साथ साथ करते हो एंड देन यू बिकम सर्टिफाइड इन दिस कैटेगरी फिर आप बहुत अच्छी यू नो जॉब्स कर सकते हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कैटेगरी में अब जैसे सबसे पहला आता है सी ए सी ए इज़ वेरी वेरी कॉमन ऑलमोस्ट हर कॉमर्स स्टूडेंट इसके पीछे जाता है तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं अलॉट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन इन दी ए केस दूसरे ऑप्शन आते हैं जैसे कि सी एम ए सी ए होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अब ये करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो यू कैन बिकम अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर कॉस्ट अकाउंटेंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फाइनेंशियल कंट्रोलर फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं सो अगर सी ए नहीं जाना यू कैन ऑल्सो गो फॉर सी एम एके उसके अलावा आता है सी एफ ए सी एफ ए क्या है सी एफ एज़ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसको करके यू कैन बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर रिस्क मैनेजर रिसर्च एनालिस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट असेट मैनेजर वेल्थ मैनेजर बहुत सारी करियर ऑपरचुनिटीज एज अ सी एफ ए खुलेंगी अनदर वेरी प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल कोर्स जो किया जा सकता है अलॉन्ग साइड योर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर गार्नरिंग अबाउट फोर ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस यू विल बी अ सर्टिफाइड सी एफ ए बहुत अच्छी करियर ऑपरचुनिटी है द नेक्स्ट थिंग यू कैन गो फॉर इज यू एस सी पी ए यू एस सी पी ए बेसिकली इंडियन सी ए की तरह है बट इट हैज़ गॉट सम अदर एडेड एडवांटेज अमेरिका की तरफ से यू की तरफ से सो यू एस करके आप क्या कर सकते हो इट्स फाइनेंशियल एनालिस्ट फॉरेंसिक अकाउंटेंट टैक्स अकाउंटेंट टैक्स मैनेजर ऑडिटर फाइनेंशियल प्लानर अकाउंटिंग मैनेजर अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेम इज़ विफ़ आर एम एफ आर एम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर नौ महीने के ड्यूरेशन है लगभग लगभग इसके कोर्स में दो पार्ट इसको क्लियर करने पड़ते हैं एंड एफ़ आर एम से देखिए दस से अठारह लाख पर एन एम तक की एवरेज सैलरी ओपन हो जाती है अना द ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू कैन गो फॉर इट एफ आर एम करके आप एक्चुअली बनते गए हो बेसिकली आप रिस्क मैनेजर होते हो रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिस्क को एनालाइज करते हो अलग अलग एरियाज़ में बिजनेस के कितना रिस्क है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते है, कैसे हैं कैसे हैंडल कर सकते हैं ओके सो कॉर्पोरेट रिस्क डायरेक्टर रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिस्क एनालिस्ट ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शनस खुल जाते हैं वंस यू डू एफ आर एम अना द्रेट ऑप्शन और है ए सी सी ए मतलब कि एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अनदर ग्रेट ऑप्शन अगर आप सीए के लिए नहीं जा रहे हो यू कैन गो फॉर दिस यहाँ से आप ऑडिटर टैक्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर फॉरेंसिक अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटेंट सब बन सकते हो ग्रेजुएशन प्लस दो से तीन साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड फिर सीधे छः से सोलह लाख पर एनम तक की एवरेज सैलरी बी ए अगला ऑप्शन है बहुत अच्छा जिसे हम कंसिडर करते हैं अकाउंटेंट बनने के लिए या फिर टैक्स मैनेजर बनने के लिए सो बी ए टी का फुल फॉर्म है असल में बिज़नेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इसका प्रोग्राम कंप्लीट करो आफ्टर और बी कॉम के बाद यूल बी सर्टिफाइड विद बी ए टी एंड देन यू कैन वर्क एज एन अकाउंटेंट और अ टैक्स मैनेजर मेरी फेवरेट इस पूरी लिस्ट में है फाइनेंशियल मॉडलिंग क्योंकि सिर्फ छः से अठारह हफ्ते तक के अराउंड का प्रोग्राम होता है एंड uh, उसके बाद अगर आपने सपोज बी कॉम बी बी ए कुछ भी किया है उसके बाद अगर आप छः से अठारह हफ्ते का ये कोर्स सिर्फ कर लें फाइनेंशियल मॉडलिंग का यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट योर करियर इन द एरियाज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो इक्विटी रिसर्च में जा सकते हो वेंचर कैपिटल में काम कर सकते हो माई गॉड कितना कितनों का ड्रीम होगा वेंचर कैपिटल में काम करने का एंड आफ्टर बी अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर लो देर आर ऑपरचुनिटीज ओपन फॉर यू उसके अलावा आप प्राइवेट इक्विटी में काम कर सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस में काम कर सकते हो सो so वाकई अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो ये जितने कोर्सेज मैंने डिस्कस किए अलॉन्ग साइड सी ए आप वो सब कर सकते हो फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है आपका सी एस कंपनी सेक्रेटरी अनद व वेरी पॉपुलर ऑप्शन सी ए के अलॉन्ग साइड सो so उसको भी किया जा सकता है अब देखते हैं लॉ की कैटेगरी अब लॉ की कैटेगरी में यू कैन गो फॉर बी कॉम एल एल बी ऑनर्स बी बी एल एल बी बी एल एल बी बी कॉम उसके बाद एल एल बी एंड ये सब करने के बाद यू कैन गो फॉर करियर एज ए लॉयर और जनरल काउंसिल एट सम बिजनेस फर्म या फिर किसी लॉ फर्म के एसोसिएट पैराीगल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कॉरपोरेट लॉयर एट्सट्रा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी कॉरपोरेट लॉ में मैंने पहले भी कहा था बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं सो ऑफकोर्स अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट और लॉ में इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स अब आते हैं अगले ऑप्शन पे जो है आई टी सेक्टर में अब आई सेक्टर में ऑफकोर्स देखिए स्ट्रगल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी चल रहा है बी टेक ग्रैड्स के लिए भी चल रहा है सो आई टी सेक्टर में अगर आपको क्रैक करना है वाकई लाइक एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कॉमर्स साइट से हो और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर बनना है सो so, सबसे पहली चीज़ यू विल हैव टू बी एक्सेप्शनली स्किल्ड एट वॉट यू आर डूइंग लाइक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा उस एरिया में बेस्ट इन क्लास इन योर थिंग तो तब जाके यू कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जैसे कि अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स था सो यू कैन गो फॉर बी सी ए प्लस एम सी ए या फिर बी एस सी आई टी बी एस सी सी एस ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं अगर आपने मैथ्स की थी ट्वेल्थ में अगर बिना मैथ्स के हो सो so कुछ लिमिटेड ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या और बाकी कुछ और ऑप्शंस हैं एम वगैरह से जहाँ पर यू कैन गो फॉर बी एस और आई और बी एस सी जहाँ यू नो बी जहाँ से सारे स्ट्रीम्स खुले हुए हैं uh, एक रूट ऐसा है जो वाकई स्किल को वैल्यू करता है वो ये है कि भाई बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जाओ और ख़ुद सीख लो यू नो आई द लर्न इट फॉर फ्री या छोटे मोटे पेड ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट गो लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग फॉर फ्री पाइथन आर या फिर जावा जो सीखना है एंड बी एक्सेप्शनली स्किल्ड इन योर फील्ड सो यहाँ से आप आई सेक्टर में भी जा सकते हो अगला ऑप्शन है डिज़ाइन और आर्ट्स के सेक्शन में तो और डिज़ाइन एंड आर्ट्स में आपको कॉमर्स साइड से क्यों जाना चाहिए वो ये है अगर आपका आर्टिस्टिक साइड है इफ़ यू हैव अ नैक फॉर आर्ट एंड यू आर क्रिएटिव एंड यू वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स बिकॉज अगर आपको आर्टिस्टिक साइड है और मन नहीं लगता अकाउंटिंग फाइनेंस you know, में गलती तो से भी अकाउंटिंग फाइनेंस के एरिया में मत जाना यू नो यू यूल हेट योर लाइफ एंड योर प्रोफेशन आफ्टर दैट डिज़ाइन एंड आर्ट्स में इंटरेस्टेड है डिज़ाइन एंड आर्ट्स में जाओ एंड ऑप्शन खुले हैं कॉमर्स लाइन से भी यू नो यू कैन गो फॉर बी एस एनीमेशन मल्टी या फिर गेम डिज़ाइनिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं गेम डिजाइन में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज गेम डिजाइनिंग में है इट्स द फ्यूचर अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर इट या फिर फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं फाइन आर्ट्स फाइन आर्ट्स बहुत ही यू नो अंडर रेटेड एंड रिस्की प्रोफेशन है रिस्की कोर्स है बट इफ़ यू लव इट यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड यू थिंक यू हैव द टैलेंट फॉर इट गो फॉर इट नो इशूज़ और करियर है इवेंट मैनेजमेंट में सो इवेंट मैनेजमेंट अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू कैन गो फॉर इट एंड ये कैटेगरी उन्हीं लोगों के लिए जिनका वाकई यू नो जो बहुत ही डेस्क बेस्ड कॉमर्स जॉब्स हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स अगला ऑप्शन आता है हमारा मास कम्युनिकेशन का अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर यू इसमें भी करियर ऑप्शंस क्लोज़ नहीं होने वाले कभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं दैट मीन्स यू कैन गो फॉर अ बी जे एम सी दट इज़ बैचलर इन जर्नलाज्म मास कम्युनिकेशन या फिर बी एनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पी जी डिप्लोमा मॉस कम्युनिकेशन में एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग आई मीन फिल्म मेकिंग पे तो बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेजेज भी हैं बट इफ़ यू वॉन गो द कन्वेंशनल ट्रैक गो फॉर अर डिप्लोमा इन डिजिटल फिल्म मेकिंग हमारे पास अगला ऑप्शन आता है फाइनली ट्रैवल एंड के ऊपर ट्रैवल एंड टूरिज़म इज ओपन फॉर यू इफ़ यू आर फॉरम कामर्स एंड यू आर इंटरेस्ट इन ट्रैवल एंड टूरिज्म यू कैन गो फॉर होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग टेक्नोजी पढ़ने के लिए या फिर यू हैव अभी बी ए इन ट्रैवल एंड टूरिज़म ओपन फॉर यू एंड बहुत ही यूनिक सा एक कोर्स रिसेंटली आया है बी एस सी इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट अन द ग्रेट अपर्चुनिटी यू कैन गो फॉर इट यहाँ से खुलेंगे अपर्चुनिटीज़ फॉर यू इन एयरपोर्ट जॉब्स टूर ऑर्गेनाइजिंग कैबिन करू के लिए होटल एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट में टूर मैनेजमेंट में और मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है भले 2020 में ये इंडस्ट्री पिट गई हो ऑनेस्टली इट इज़ एन एवरग्रीन इंडस्ट्री मौके खुले रहेंगे बहुत सारे अनटिल समथिंग एज रेयर एज कोविड नाइन्टीन हैपन्स अपॉर्चुनिटीज इसमें कभी क्लोज़ नहीं होने वाले यू कैन स्टिल गो फॉर इट ओके सो अब जब हमने ये डिस्कस कर लिया है लेट्स कम टू दिस टेबल जो मैंने प्रिपेयर करी है uh, कि आफ़्टर कॉम आप क्या कर सकते हो आपके पास बी बी ए बम एस बी बी एम बी बी एस जैसे डिग्रीज करने के पास क्या ऑप्शनस अवेलेबल रहेंगे या फिर बी 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 ई और बी ई -E, इकोनॉमिक्स बेस्ड काम करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगे सो वंस यू आर डन विद बी कॉम मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बी कॉम असल में काफ़ी वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा आपके लिए इफ़ यू आर स्किल्ड इन योर एरिया बेसिकली स्किल कौन से कौन से स्किल्स जैसे मैंने पहले डिस्कस किए थे कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि आपके प्रॉपर इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे इस एरिया में एंड इफ़ यू आर रियली गुड इन दीज थिंग्स ऑफकोर्स एम एस एक्सेल में भी अगर आप बहुत अच्छे हो एम एस ऑफिस में ओवरऑल ऑल दिस थिंग्स विल मैटर अ लॉट वेन यूर इन द बी कॉम एरिया या बी ए कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो इस सेक्शन में यहाँ से यू हैव अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर सी ए सी एम ए सी एफ एस सी पी ए जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके अलावा यू कैन गो फॉर एन एम कॉम एम बी एम बी ए से आपके करियर ऑप्शन और स्ट्रॉग हो जाएंगे स्पेशली अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के बाद एम बी ए करो एम बी ए आपको क्रैक करना होगा यू नो आई द थ्रू कैट सीमैट स्नैप जैट आई मीन कैट जैट क्रैक कर लो बहुत अच्छा इफ़ यू डू इट फ्रॉम द टॉप आई आई एम्स योर करियर इज़ सॉलिड इन दिस सेक्टर उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है बी कॉम ग्राइड्स के लिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर टीचिंग और बी एन इंश्योरेंस अंडर राइटर और एक्चुअली एक्चुअली देखो मैंने मैंशन किया हुआ है यहाँ पर एक्चुअली को बी कॉम के लिए भी और इकोनॉमिक्स बेस्ड जॉब्स में भी एक्चुअली अब एक्चुअली होता क्या है एक्चुअली इज़ एक्चुअली एक ऐसी जॉब है जहाँ पर हम मैथ्स और स्टैट्स का यूज़ करते हैं एस्टिमेट करते हैं कि कितना रिस्क है किसी चीज़ में यू you नो know? किसी अनसर्टिनिटी का इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा फाइनेंशियल लेवल पे और उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं सो so अगेन ये भी एक फाइनेंस बेस्ड जॉब्स है नंबर बेस्ड जॉब्स ई फिर गुड विद नंबर्स यू कैन डू इट उसके अलावा बीबीए में क्या है बीबीए जो है ज़्यादा मैनेजमेंट बेस्ड ऑप्शन खोलता है आपके लिए नो मैनेजर बेस्ड जॉब्स तो उसके बाद यू कैन ऑल्सो अगेन गो फॉर एन एम या फिर मेम एम आई एम मास्टर इन मैनेजमेंट ये यूरोप में ज़्यादा पॉपुलर है इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट गो हेड टू यूरोप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं इंडिया में भी होता है खैर या और मास्टर you know इन फाइनेंस या एम इंटरनेशनल बिजनेस नो कितने सारे करियर ऑपर्चुनिटी इधर से खुलते हैं स्ट्रेट आफ्टर बी बी ए और बी एम एस इन टाइप के कोर्सेज करने के बाद यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर की देखो आपकी एवरेज इनकम होती है अराउंड फाइव टू ट्वेल्व लाख पर एनम अना ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं एच आर मैनेजर बन सकते हैं बैंकिंग में जाना है यू कैन टेक एग्जाम्स लाइक आई बी पी एस पी ओ गो फॉर बैंकिंग अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी रेलवेज और अदर पी एस यू जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिविल सर्विसेज भी टेक कर सकते हैं यू पी एस सी एंड ऑल ग्रेट ऑप्शन मैंने पहले भी डिस्कस किया था इवेंट मैनेजमेंट फॉरन एम्बेसी टीचिंग बी बी एल एल बी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एनालिस्ट अब लॉजिस्टिक्स में भी बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने मैंशन किया है यहाँ पर लॉजिस्टिक्स एनालिस्ट के लिए ग्रेट करियर ऑपरचुनिटीज अवेलेबल यू मेक अराउंड थ्री टू एट लाख पर एनम एट एन एवरेज फिर आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स बेस्ड जॉब्स जहाँ पे मैंने बात करी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की फाइनेंशियल एनालिस्ट की बिजनेस कंसल्टेंट की सो देर आर वाइड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इफ़ यू आर स्किल्ड एन इन योर एरिया दूसरे बैंकिंग जॉब्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर एम बी या फिर अगेन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज़ यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ दीज things एंड फिर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं बाकी ऑप्शन सो so, सो so डिटेल में मैंने सब कुछ यहाँ पे ये यह जो टेबल मैंने बनाई है और ये पीपीटी जो मैंने बनाई है ये आप अपने रिफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो ये मैंने लिंक में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में यू कैन डाउनलोड इट यूज़ इट फॉर योर ओन रिफरेंस मैं हर ऑप्शन को डिटेल में भी एक्सप्लन करूंगा आने वाले वीडियोज़ में सो आई होप यू लाइक डिट हेल्पफुल लगा वीडियो सो हिट लाइक नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मैं बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा एंड शेयर uh, इट इसको जितना हो सके शेयर करें अपने बाकी दोस्तों से या फिर समवन इन द फैमिली जिसको इसकी ज़रूरत हो जानना हो आइडिया लगे करियर का सो आई होप इंजॉयड द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच